साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन का नाम सिर्फ साउथ अफ्रीका के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे घातक गेंदबाजों में शुमार है, जिनके सामने अच्छे अच्छे बल्लेबाज बल्लेबाजी करने से डरते थे। मगर वहीं भारत का एक ऐसा बल्लेबाज है जिसके सामने डेल स्टेन तक को गेंदबाजी करने में डर लगता था, जिसका खुलासा खुद दिग्गज तेज गेंदबाज ने किया है। तो आइए वीडियो के जरिए जानते हैं आखिर वो खिलाड़ी कौन है जिसके सामने होने पर डेल स्टेन भी गेंदबाजी करने से डरते थे। डेल स्टेन ऐसे गेंदबाज थे जो अपनी गति और स्विंग दोनों से बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते थे, लेकिन उनके सामने एक ऐसा भी बल्लेबाज था जो बिना पैर निकाले ही चौके छक्के लगा देता था। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस खिलाड़ी की बात कर रहा हूँ। डेल स्टेन ने हाल ही में दिए गए एक बयान में बताया कि वो भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के सामने गेंदबाजी करने में उनको भी काफी डर लगता था। स्टेन ने बताया कि सचिन और विराट नहीं बल्कि सहवाग को गेंदबाजी करना उनके लिए सबसे कठिन काम था। डेल स्टेन ने अपने बयान में कहा, न ही सचिन तेंदुलकर और न ही विराट कोहली बल्कि वीरेंद्र सहवाग मेरे सबसे बड़े नाइटमेयर थे। डेल स्टेन किस वजह से दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज थे इसका अंदाजा सिर्फ आपको उनके आंकड़े देखकर ही लग जाएगा, जो काफी हैरान करने वाले हैं। डेल स्टेन ने अपने करियर में कुल 93 टेस्ट मैच, 125 वनडे और 47 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम टेस्ट में 429 विकेट हैं, जबकि वनडे में 196 और टी20 क्रिकेट में 64 विकेट दर्ज हैं। उन्होंने अपना डेब्यू साल 2004 में किया था और अपना आखिरी मैच साल 2020 में खेला था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और वैसी खबरों को देखने के लिए क्रिकेट एडिक्टर को लाइक और सब्सक्राइब करें।